हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, असामान्य अणु भार। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म देखे, हमने देखा है कि उन सब में सॉल्यूट के मॉलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन होता है, उनके हमने रिलेशंस देखे और सब में ये पाया कि जो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे आए टीवी तो केवी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू टेंस टू दी पावर थ्री अपॉन डब्ल्यू ए। अब चाहे ये रिलेशन ले लो, चाहे डेल्टा टी एफ का, तो भी यहाँ एम बी दिख रहा है आपको, इसके अपॉन में आ रहा है, पाई में भी देख ले। तो इस तरह से आप सभी रिलेशंस में आप पाओगे कि मॉलिकुलर मास एब्सोल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो पाई हो या डेल्टा टी एफ हो या डेल्टा टी बी हो। इसका मतलब है कि जिन सॉल्यूशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा आती है उनमें सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास कम होगा। अब आता है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिकुलर मास एब्सोल्यूट कैलकुलेट किया जाता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होगा या नहीं। तो ध्यान रखें कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल मॉलिकुलर स्टेट में है, अर्थात वो डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नहीं होता, वियोजित या संगुणित नहीं होता, तब ऐसे में जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास, वो और जो थ्योरेटिकल मॉलिकुलर मास है, समझ गए ना, वो सेम होगा। मतलब जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, उसका थ्योरेटिकल मास होता है 60। अब वो किसी प्रकार का डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो नहीं करता सॉल्यूशन में, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास भी कितना आएगा, 60। लेकिन अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का किसी भी प्रकार का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है, अर्थात वो वियोजित होता है या संगुणित हो जाता है, ऐसे में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो अपने नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से या तो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज़ क्या होगी, बदल जाएंगी, अपनी नॉर्मल वैल्यू से अलग आएंगी। ऐसे में जो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कुछ अलग आएगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। यही जो मॉलिकुलर मास मिलता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के कारण, वही क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। मैंने यही डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, देन ठीक है, रिजल्टेंट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच ठीक है इज हायर और लोअर देन नॉर्मल मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। मतलब किसी भी प्रकार के सॉल्यूट के एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाने से अब जो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से प्राप्त होगा वो अपनी नॉर्मल वैल्यू जो होती है, नॉर्मल मॉलिकुलर मास, उससे या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये रिजल्टेंट मॉलिकुलर मास ही क्या कहलाता है बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। मतलब है कि जब विलयन में विलय वियोजित हो जाए या संगुणित हो जाता है तो अणुसंख्या गुणधर्म से विलय का जो अणुभार प्राप्त होगा वो सामान्य अणुभार से कम या ज्यादा प्राप्त होगा। इसे भी हम क्या बोलते हैं, असामान्य अणुभार, समझ गए ना। अब हम एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है कि पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, दो मिल जाए तो डाइमर, तीन मिल जाए तो ट्राइमर, बहुत सारे मिल जाए तो पॉलीमर। तो ऐसे में क्या होगा कि दो दो पार्टिकल्स मिलती है और एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स थे नॉर्मल कंडीशन में, जब वो 100% एसोसिएटेड हो जाएंगे तब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स लेस देन नंबर ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास इन सच केस विल बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल मोलर मास। अब क्या होगा, मतलब यह है कि संगुणन होने पर जो विलय के कण है वो सामान्य कणों की अपेक्षा कम हो जाएंगे, जिससे अणुसंख्या गुणधर्म क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो मोलर मास बढ़ जाएगा, अपने नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है। समझ गए बच्चों कि जैसे ही संगुणन एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी और उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास ज्यादा आएगा अपनी थ्योरेटिकल
वैल्यू से। जैसे मान लो एसिटिक एसिड, ये तो इस तरह से एसोसिएशन हम दोस्तों करते हैं कि एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का जैसे दो मोल मिलके और एक मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो डाइमर बन गया। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास ऑब्जर्व करेगी ना, वो इसका मास आएगा डाइमर का। तो इसका नॉर्मल होता है 60, जबकि एबनॉर्मल कितना हो गया 120। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स आधे हो गए, 100% एसोसिएशन हो जाए तो 120 आएगा। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा, समझ गए ना, वो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो मोलर मास जो होगा सॉल्यूट का वो ज्यादा आएगा। तो आप समझ गए होंगे एबनॉर्मल मोलर मास, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं कि मान लो सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड होता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, समझ गए ना। तब ऐसे में क्या होगा कि जब हम सॉल्यूट का एक पार्टिकल डिसोल्व कर रहे हैं और वो मान लो दो पार्टिकल में डिसोसिएटेड हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। तो वन मोल से टू मोल पार्टिकल्स बन गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होंगी वो नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का डिसोसिएशन करेगा, तब ऐसे में जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा एबनॉर्मल में ज़्यादा हो जाएंगे, और ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी तो मॉलिकुलर मास डिक्रीज हो जाएगा। हमने यही लिखा है कि इन डिसोसिएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिकम्स मोर देन नॉर्मल पार्टिकल्स एज अ रिजल्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीजेस। जो वैल्यूज आ रही हैं कॉलिगेटिव वो इंक्रीजेस, तो इंक्रीज हो जाएंगे, विल बी इंक्रीज एंड मोलर मास सॉल्यूट विल बी, ठीक है, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि नॉर्मल मोलर मास की अपेक्षा एबनॉर्मल मोलर मास कम मिलेगा। समझ गए बच्चों कि अगर विलयन में विलेय पदार्थ टुकड़ों में टूटता है, वियोजित होता है, तो विलयन में कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी सामान्य कणों की संख्या से। ऐसे में जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात अणु संख्या गुणधर्मों के जो ऑब्जर्व मान है, प्रेक्षित मान है, वो सामान्य मान से ज्यादा हो जाएंगे, और विलेय का जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से कम मिलेगा। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम NaCl को देखें कि वन मोल हमने डिसॉल्व किया और वो 100% डिसोसिएटेड हो गया और टू मोल में चेंज हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम ये कहें कि ये पाई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2π। तो इस तरह से जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर y मिलना था, पाई मिलना था, वहाँ 2π मिला। तो ऐसे में जो नॉर्मल मॉलिकुलर मास इसका होता है 58.5, तो ये मिलेगा 58.5/2 अर्थात हाफ हो गया। अगर तीन टुकड़े बन जाए, 3 mice में टूट जाए, तो 1/3 मतलब थर्ड टाइम कम हो जाएगा मोलर मास। तो इस तरह से डिसोसिएशन होने पर जो नॉर्मल मास है उसकी अपेक्षा एबनॉर्मल मास क्या होगा, हमें कम मिलेगा, जबकि एसोसिएशन में एबनॉर्मल मास ज़्यादा मिलता है। अगर हमें एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन 1/2 factor। 1/2 factor हम इसी को समझते हैं कि ये किस तरह से निकाला जाए, डिसोसिएशन में या एसोसिएशन में। तो इसे आप नोट कर लें। अब देखो हम आते हैं 1/2 factor, ठीक है, 1/2 गुणांक। तो देखो ये इतनी वैल्यूज का रेशियो होता है। पहला होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब है कि संगुणन या वियोजन में कणों की संख्या, मतलब यहाँ पर क्या है, संगुणन या वियोजन में कणों की संख्या कितनी है, और ये क्या है बच्चों, सामान्य कणों की संख्या, ठीक है, या फिर सामान्य अणुभार, अणुभार बटा असामान्य अणुभार से भी निकाल सकते हैं, या ये जो है ये है प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटा में क्या होगा, सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। समझना फिर से कि डिसोसिएशन के एसोसिएशन से कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, और आपने नॉर्मल पार्टिकल्स क्या लिए हैं, इसका रेशियो है 1/2
या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका लेना है आपको सॉल्यूट का, और उसमें जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो भी मिल रहा है उससे डिवाइड करना है, या फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऑब्जर्व कितनी हो रही हैं और नॉर्मल कितनी होनी चाहिए थी, इनका रेशियो भी क्या है वन हाफ फैक्टर आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ देखो, अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल पार्टिकल से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन में नॉर्मल पार्टिकल टुकड़ों में टूटेगा डिसोसिएटेड होगा तो जितने पार्टिकल्स लिए गए थे उससे ज्यादा हो जाएंगे। एक फिर नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल में तो अभी हमने देखा था कि अगर डिसोसिएशन होता है तो एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से क्या हो जाएगा कम होगा। तीसरा है कि चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आएंगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू तीनों में ज्यादा है इससे नीचे वाली वैल्यू में, तो ऐसे में आयोटा की वैल्यू जो है वन से ज्यादा आएगी। समझ गए ना, मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन का आयोटा कैलकुलेट करें और ग्रेटर देन वन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो रहा है डिसोसिएटेड हो रहा है। डिसोसिएशन होने से पार्टिकल्स बढ़ गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई नॉर्मल वैल्यू से, इसलिए मोलर मास जो है एबनॉर्मल वो अपने नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा और आयोटा ग्रेटर देन वन आता है। डिसोसिएशन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अगर नॉर्मल पार्टिकल जितने थे उससे कम होंगे एबनॉर्मल पार्टिकल्स, इसी प्रकार मोलर मास में देखें तो एबनॉर्मल मोलर मास से ज्यादा आता है अभी हमने देखा है इससे, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी कम हो जाएंगी, ऐसे में आयोटा लेस देन वन आता है। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से अगर आयोटा किसी सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर लें और वो लेस देन वन आ जाए तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएटेड, और ग्रेटर देन वन आता है तो वो क्या हो रहा है डिसोसिएटेड। तो इस तरह से ये था वन हाफ फैक्टर, तो आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का आयोटा से रिलेशन। जैसे पहला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आयोटा, तो मान लिया जाए कि ए का डिसोसिएशन हो रहा है एन बी में, इसका वन मोल लिया गया और अल्फा इसके डिसोसिएटेड हो गए तो ये हो गए एन अल्फा, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू है वो अल्फा से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल्स समेशन एन है, तो समेशन एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, हमारे पास आ गया वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। अब हम जानते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू होता है नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल्स, तो नंबर नॉर्मल तो आपने एक मोल लिया था और डिसोसिएशन से इतने में कन्वर्ट हो गए तो आयोटा आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू होगा आयोटा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, जहां n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट या आयन नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ए बी टाइप का है तो n की वैल्यू 2 होगी तो आयोटा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू होगा आयोटा माइनस 1, ए बी टू टाइप का है तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 3, समझ गए ना, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ए बी 3 प्रकार का है तो n ये कितना हो जाएगा 4, तो इस तरह से अल्फा और आयोटा के रिलेशंस निकलेंगे। तो ये है डिसोसिएशन से। अब हम आ जाते हैं एसोसिएशन, एन ए से मिलकर ए एन बन रहा है, मतलब जितने भी एन की वैल्यू है इतने पार्टिकल एसोसिएटेड होकर कोई एक पार्टिकल ए एन बनाते हैं। अब हम यहाँ पर हमने इसका वन मोल लिया, इनमें से एन एक्स एक्स एसोसिएटेड अमाउंट है तो ये एन एक्स इसके एक्स बन गए, अल्फा इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन वन होता है, मतलब है कि एसोसिएटेड अमाउंट अपॉन टेकन अमाउंट इज इक्वल टू अल्फा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अल्फा बाई एन, तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी तो ये हो गया वन माइनस अल्फा, समझ गए ना बच्चों, तो ये हो गया हमारा अल्फा बाई एन। समेशन एन निकाल लिया आपने और इस तरह से समेशन एन की वैल्यू, तो अब हम आयोटा निकालेंगे तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड टोटल, ठीक है, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नॉर्मल पार्टिकल्स, तो इसी को और बढ़ाते जाएं तो हमें एक रिलेशन मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू एन एन माइनस वन वन माइनस आयोटा, इससे हम डिग्री ऑफ क्या निकाल सकते हैं एसोसिएशन, जहां एन है एसोसिएटेड पार्टिकल्स, अगर डाइमर बनता है मतलब कहीं पर अगर डाइमर आ गया तो डाइमर में एन की वैल्यू 2 लेंगे, ट्राइमर है तो
थ्री लाइन, तो इस तरह से ये है। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे हमें क्या निकालने होंगे क्वेश्चंस, कुछ सॉल्व करते हैं। तो हम दो क्वेश्चंस देखते हैं, इनसे रिलेटेड पहले आते हैं लूप का। अब हम दो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो इसमें बोला गया कि बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है और डाइमर बनता है। यदि 0.6 ग्राम बेंजोइक एसिड को 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में घोला गया और डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है 0.133 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केवी ये दे रखा है 2.3, तो एमवी ठीक है और 1 तथा एमवी है 122, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखो यहां पर लिखना है, पहले हम एमवी कैलकुलेट करेंगे बेंजोइक एसिड का, ये किसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड मोलर मास, क्योंकि सॉल्यूट ये है हमारे यहां पर, केवी दे रखा है 2.3, डेल्टा टीबी 0.133 ठीक है, यहां लेंगे हम 0.133 डिग्री सेंटीग्रेड। डब्ल्यूए अर्थात सॉल्यूट सॉल्वेंट अमाउंट, तो वो कितनी है 50 ग्राम सॉल्यूट अमाउंट ठीक है, इससे आपने एमबी, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, इससे आप एमबी कैलकुलेट कर लेंगे, केवी की वैल्यू रख देंगे, डब्ल्यू बी हो गई टेंस टू दी पावर 3 हो गया, डेल्टा टीबी हो गया और डब्ल्यू ए, तो ये आया 210। फिर हम आयोटा का रिलेशन लेते हैं, आयोटा मतलब होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्वड मोलर मास, तो नॉर्मल होता है बेंजोइक एसिड का 122 और जो ऑब्जर्व मिला वो है 210 जो कि नॉर्मल से ज्यादा है, इसका मतलब है कि एसोसिएशन तो हुआ है। अब वो कितना परसेंट हुआ है, तो फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 1 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.84, तो अल्फा परसेंट में निकालोगे तो वो होगा 84%। इस तरह से 84% जब बेंजोइक एसिड एसोसिएटेड हो जाएगा तो उसका मोलर मास 210 होगा, और अगर 100% हो जाता तो इसका डबल आ जाता 244। ओके फिर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, फिर है 3.1 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, इससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1 ठीक है 100.083 मिलता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, केवी ये है। तो देखो हम यहाँ पर देखें डब्ल्यू ई कितना ग्राम है सॉल्यूट अमाउंट 3.1, डब्ल्यू ए कितना है 250, डेल्टा टी भी चूंकि वाटर का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन में से वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट माइनस करते हैं, तो हमें मिला 0.083, केवी दे रखता है 0.52, आपने मोलर मास निकाल लिया इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू पुट अप करके, ये आ गई 77.68। फिर हम निकालेंगे आयोटा, तो 208.3 इसका थ्योरेटिकल मोलर मास, मतलब एमवी जो है इसका 208.3, ये है BaCl2 का थ्योरेटिकल मोलर मास, वो ले लिया ठीक है, और ऑब्जर्व मास से डिवाइड कर दिया तो आयोटा आया 2.68 जो कि एक से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, आयोटा है 2.68 माइनस 1 अपॉन आइंस, तो देखो BaCl2 अगर आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा Ba+2Cl, मतलब Ba2+Cl-, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3, तो मैंने यहाँ 3 रख दी, तो वो आया 1.68 अपॉन 2.84, तो परसेंटेज में 84%। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि आपको जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर आपको मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, पहले आप मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लें, फिर आप नॉर्मल मॉलिकुलर मास और जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास है उससे आयोटा निकालें, और आयोटा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन ले लें या एसोसिएशन का रिलेशन लें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे। तो ये था हमारा वन हाफ फैक्टर से रिलेटेड और ओस्मोटिक जो टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस और जो भी थे सब मैटर कंप्लीट कर दिया मैंने, यहाँ वन हाफ फैक्टर के बारे में दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।